एक्ने जो मुझे आ रहे थे उसकी वजह से मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था मुझे तो। हाय गाइस, दिस इज सुदीप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है प्रोडक्ट रिव्यू एंड आई एम गोइंग टू बी रिव्यूइंग टू प्रोडक्ट्स एंड दैट इज दिस वन बाय न्यूट्रोजना, द सनस्क्रीन बाय न्यूट्रोजना एंड दिस वन द हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर बाय न्यूट्रोजना। आज के वीडियो में आपको सारे स्किन टाइप्स के बारे में बताऊंगी, इवन एक्ने प्रोन स्किन को मैं एड्रेस करूंगी कि क्या आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो या नहीं। आज का वीडियो is going to be very useful for teenagers out there because I know teenagers see the price of products and wo log wo khareed lete hain, even I have done that as a teenager. So without wasting any more time, let's get into the video. So the first time when I used a Neutrogena product was when I was a teenager. मैंने उनका फेस वॉश ट्राई किया था जब मैं टीनेजर थी, तभी मुझे फेस पे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट होते थे एंड मेरी स्किन इतनी ज्यादा ऑयली थी एंड एक्ने प्रोन थी तभी। बट वो प्रोडक्ट यूज करके कोई फायदा नहीं हुआ। आई यूज इट फॉर 1 month एंड आई स्टॉप्ड यूजिंग इट उसके बाद, क्योंकि मेरा ब्रेकआउट स्टिल हो रहे थे एंड न्यूट्रोजना कुडंट हेल्प मी, आई मीन द फेस वॉश कुडंट हेल्प मी। सो बहुत सालों बाद मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई न्यूट्रोजना, क्योंकि इतने साल मेरी एक्ने प्रोन स्किन रही है, आई हैव नॉट एक्सपेरिमेंटेड विद प्रोडक्ट्स, बट नाउ आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई आउट अ मॉइस्चराइजर। सो आई थॉट कि न्यूट्रोजना का बहुत ज्यादा रिव्यूज मैंने देखे हैं, व्हेन पीपल हैव सेड कि इट इज वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन, तो आई थॉट लेट मी बाय दिस प्रोडक्ट एंड आई विल ऑल्सो रिव्यू इट फॉर यू गाइज। सो आई यूज द न्यूट्रोजना का हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर फॉर 1 entire month। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें आपको 15 gram प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड दिस इज फॉर 370 rupees। इसमें दो आपको अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं, दिस इज द मिनी वन एंड इसके लिए मैंने मिनी खरीदा क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर कि इफ आई विल लाइक दिस प्रोडक्ट और नॉट। सो मैंने फर्स्ट डे पे जब ये अप्लाई किया था आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, बट सबसे पहले जब मैंने ये बॉटल खोली ऐसे इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है एंड मैंने अपने फेस पे लगाया, फर्स्ट डे आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है मैं आपको लगा के भी बताती हूँ, बहुत ही लाइट वेट है, लिटरली नो टाइम ये प्रोडक्ट आपके फेस में अब्सॉर्ब हो जाएगा। बट सेकेंड डे रात को मेरे को पिंपल आ गया था, आई मीन आई स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट एंड आई वॉज लाइक कि, और गर्मी शुरू थी, गर्मी का सीजन है तो मुझे यूजुअली गर्मी में आते हैं पिंपल्स बिकॉज ऑफ द हीट, तो आई वॉज लाइक, बट इतने पूरे समर सीजन में मुझे इस बार नहीं आए थे पिंपल्स, बट जैसे मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया मुझे पिंपल आए। आई वॉज अ बिट स्केयर्ड कि करके मुझे यूज करना चाहिए या नहीं, बट आई वॉज लाइक कि आई एनी वेज वॉन्ट टू रिव्यू इट ऑन माई चैनल, तो आई विल कीप यूजिंग इट। बट मैंने उसको 10 days के लिए यूज किया एंड मेरे को एक्ने आते गए, मतलब एक मुझे यहाँ पे आया था, बड़े बड़े एक्ने आ रहे थे मेरे स्किन पे, मैं इतना ज्यादा ब्रेकआउट कर रही थी, जो एक्ने जो मुझे आ रहे थे उसकी वजह से मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था मुझे, तो आई वॉज लाइक कि, एंड मैंने एक्चुअली कुछ कुछ रिव्यूज पढ़े थे जहाँ पे लिखा हुआ था कि करके फ्रेग्रेंस है इस प्रोडक्ट में तो सेंसिटिव स्किन पीपल शुडंट बी यूजिंग इट, बट आई वॉज स्टिल लाइक कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्या ही हो जाएगा फ्रेग्रेंस से, इसलिए आई वेंट अहेड एंड बॉट इट एंड आई केप्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर अ मंथ। 10th day के बाद मुझे पिंपल्स नहीं आए, मतलब मेरा फेस गॉट यूज टू द फ्रेग्रेंस एंड मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन हो रही थी इन माई स्किन बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस इन दिस प्रोडक्ट, क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड मे बी माई स्किन गॉट यूज टू द फ्रेग्रेंस एंड इतनी इरिटेशन 10th day के बाद नहीं हुई। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, बट इफ यू आर अ टीनेजर डू नॉट यूज दिस प्रोडक्ट बिकॉज वेन यू आर अ टीनेजर स्किन बहुत सेंसिटिव होती है एनी वेज बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी, यू आर ब्रेकिंग आउट, सो डोंट go ahead and buy this product, this is not for you, but if you are dry skin type and आपकी skin थोड़ी सी mature है, you can definitely go ahead with this product because आपकी skin को बहुत अच्छे से moisturize करेगा ये, also oily skin type people can go ahead and use it, but this is not for people who have acne prone and sensitive skin, no this is not for you because it has fragrance, but now I'm using it, I'm fine with it, अभी it is working for me and I'm really liking the product अभी। बट कैसा होता है ना कि कभी हम लोग बाहर जाते हैं एंड देन वी बाय अ न्यू मॉइस्चराइजर, अगर कभी हमें बाहर जाना है, हमने न्यू मॉइस्चराइजर खरीदा, हमने लगा लिया उसको एंड वी आर टेकिंग आउट फॉर ट्रैवलिंग एज वेल, बट जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तभी हमें पिंपल्स आने लगे तो मतलब इट माइट नॉट सूट योर स्किन। सो ये जो मॉइस्चराइजर है इसका प्राइस अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज इट हैज फ्रेग्रेंस इन इट एंड
इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल, अगर आपको ये प्रोडक्ट ट्राई करना ही है तो मेक श्योर कि अगर आप ये खरीदो तो पैच टेस्ट कर लो एक बार. यहाँ पे पैच टेस्ट आप कर सकते हो या कहीं पे भी नेक पे थोड़ा सा पैच टेस्ट कर सकते हो एंड देन गो अहेड एंड यूज इट. डोंट जस्ट डायरेक्टली अप्लाई इट ऑन योर फेस जस्ट लाइक आई डिड इट. आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ न्यूट्रिजिना के ब्रांड के बारे में गलत चीजें बोल रही हूँ, बट इट इज नॉट दैट वे. लेट अस टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट दैट आई रियली लाइक एंड विच वर्क्ड फॉर मी. एंड सो लेट्स टॉक अबाउट द सनस्क्रीन. सनस्क्रीन ये जो है इसमें दो साइजेस अवेलेबल है. दिस इज द 88 ml वन. एक 30 ml वाला आता है विच इज फॉर 225 rupees या 250 rupees. वेरी वेरी अफोर्डेबल. ऑल्सो इनकी पैकेजिंग सनस्क्रीन की अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, प्राइसिंग काफी ज्यादा अच्छी है. ऑल्सो आई वेंट अहेड एंड बॉट द बिगर वन बिकॉज मुझे इसको अपने बॉडी पे भी अप्लाई करना था एंड आई हैव टेस्टेड इट ऑन माई बॉडी एज वेल. बट एक कॉन है इसका, पूरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. एक कॉन है कि ये जो है इस पे लिखा हुआ है, एक्चुअली पीछे अगर आप रीड करोगे ना इसमें लिखा हुआ है दैट इट इज अ लाइट वेट सनस्क्रीन एंड इट डजंट हैव अ शाइनी कास्ट, विच इज नॉट ट्रू. मैंने एक मेकअप लुक भी किया था इसको यूज करके. आप उसमें देखोगे एग्जैक्टली मेरे फेस पे शाइनी कास्ट आ रहा है, नॉट अ व्हाइट कास्ट. अभी बहुत सारे सनस्क्रीन पे व्हाइट कास्ट आता है विच इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट इस प्रोडक्ट में आपको एक शाइनी कास्ट होता है. सो पीपल विथ ऑयली स्किन, उनको ऑलरेडी फेस पे थोड़ा सा शाइन रहता है बिकॉज ऑफ द ऑयल. सो ऑयली स्किन पीपल डोंट गेट दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट विल मेक योर स्किन लुक वेरी वेरी ऑयली. यू शुड बाय अ प्रोडक्ट दैट इज अ मैट सनस्क्रीन. बट अदर देन दैट ये सनस्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छी है. इसमें SPF 50 है जो इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको नहीं मिलेगी. Also guys, please remember if you are a teenager and sensitive skin, acne prone skin, make sure कि अगर आप Neutrogena के product try करना चाहते हो, even the sunscreen, make sure कि use करने से पहले you do a patch test before using it and 2-3 दिन थोड़ा सा patch test करके ही use करना. Don't just directly go and apply it because sensitive skin के बारे में मैं जानती हूँ अच्छे से because I have been a sensitive skin all my life. So make sure you do that. वन मोर पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू एड इज इसमें भी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट वन बट इसमें भी फ्रेग्रेंस है. ऑल्सो इट इज सेड दैट इट इज वाटर प्रेसिस्टेंट एंड बट पीछे लिखा हुआ है दैट इफ यू स्वेट अ लॉट यू शुड गो अहेड एंड री अप्लाई इट, विच आई डू नॉट माइंड बिकॉज बहुत सारे सनस्क्रीन इन द मार्केट आर दैट वे. यू हैव टू कीप री अप्लाइंग अ सनस्क्रीन आफ्टर अ फ्यू इंटरवल्स. ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है. मैं जब गोवा गई थी मैंने ये लगाया था एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. एंड मुझे इससे पिम्पल्स नहीं आए थे बट मुझे उस वाले से पिम्पल्स आए थे इनिशियली. सो मेक श्योर कि अगर आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो तो ये सब सोच समझ के लेना. सो माई फाइनल वर्ड इज दैट आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. इट इज अ वेरी गुड सनस्क्रीन एंड बट ये मॉइस्चराइजर जो है इट इज नॉट फॉर पीपल हु आर सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन. जस्ट बिकॉज मैंने अपने 370 rupees इसमें इन्वेस्ट किए, इसके लिए अभी मैं इसको यूज करूंगी एंड उसके बाद मैं इसको नहीं खरीदने वाली हूँ क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस है. सो मेक श्योर कि अगर आप Neutrogena के प्रोडक्ट्स ट्राई भी करना चाहते हो तो मेक श्योर यू डू अ पैच टेस्ट बिफोर अप्लाइंग इट ऑन योर एंटायर फेस. लेट मी नो कि आपका क्या एक्सपीरियंस था विद द ब्रांड Neutrogena इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू नो दैट. इफ यू आर अ टीनेजर एंड इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो ऑन द स्क्रीन. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल टू गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई पोस्ट अनदर वीडियो. बाय.